हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबकी फेवरेट और बहुत इजी तरीके से बनने वाली मसाला भिंडी। तो मसाला भिंडी के लिए हमने लिया है ये 20 से 22 भिंडी, जिसे कि हमने साफ धो लिया है और सूखे कपड़े से इसके पानी को पोंछ लिया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो मसाला भिंडी के लिए सबसे पहले हम भिंडी को कट करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो दोनों साइड है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से, और भिंडी को हम आप अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से। ये दिखने में भी सुंदर लगती है और जल्दी से पक भी जाती है। तो इस तरह से हम अपनी सारी भिंडी को कट कर लेंगे। देखिए, हमने अपनी सारी भिंडी को कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, एक चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला, एक चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हम आमचूर पाउडर, और साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इन सारी सामग्री को अच्छे से भिंडी में मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं भिंडी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इस स्टाइल की भिंडी ज़रूर बना के देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से मसाले इस भिंडी में अच्छे से लिपट जाएंगे और मसाले जो हमारी भिंडी है बहुत अच्छी कुरकुरी बनेगी। तो ऑयल को भी मसालों से अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रख देते हैं। देखिए, हमने मसालों के साथ भिंडी को 10 मिनट के लिए ऐसे रख दिया था। अगर आप जल्दी में, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको मसालों को 10 मिनट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको तुरंत भी मसालों में मिला करके फ्राई कर सकती है। तो अब भिंडी को करते हैं फ्राई। तो बनाते हैं मसाला भिंडी, जिसके लिए गैस पर रख दिया है हमने एक पैन, और पैन में डाल देंगे हम एक बड़ा चम्मच ऑयल। देखिए, जो हमारा ऑयल है गरम हो चुका है। अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और गैस की फ्लेम को भी एकदम हम लो रखेंगे। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसे हमने पीस लिया है और इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अगर आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना चाहती, तो आप ऑयल में बस जीरा डाल करके भी भिंडी को फ्राई कर सकती हैं। देखिए, जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी मसाले वाली भिंडी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और चलाते ही हमारी भिंडी को ऐसे ही हम पका लेंगे। देखिए, जो हमारी भिंडी है जिसे कि हमने 6 से 7 मिनट तक ऐसे ही खुले में मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और हमारी भिंडी तकरीबन पक चुकी है। अब हम थोड़ी देर इस पर ढक्कन ढक करके भी इसे 5 से 7 मिनट तक फिर से पका लेते हैं, ताकि जो हमारी भिंडी है अच्छी तरीके से पक जाए। और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे।
ये ले लिया हमने फली दाना, जिसे कि हमने भून करके इसको दरदरा सा पीस लिया है। आप एक बार मेरे स्टाइल से भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और जो फली दाने का इसमें जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल उभर करके आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये भिंडी की सब्ज़ी है। तो इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच फली दाने का पाउडर और इससे फिर से ऐसे ही 2 मिनट फिर से ढक करके पका लेते हैं। देखिए हमने फली दाने को भी 2 मिनट तक इसमें डाल के पका लिया है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं और फिर से इसे 2 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी मसाला भिंडी ये बनके तैयार है, जिसे कि हमने 7 से 8 मिनट तक पका लिया है और ये बनके बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए कितनी खुली खुली सी और एकदम क्रिस्पी सी बनके तैयार है। हर एक मसाला एक एक भिंडी में लिपट सा गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और डाल देते हैं ऊपर से हरा धनिया और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी, झटपट बनने वाली मसालेदार भिंडी। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर पराठे के साथ। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए खिलाते रहिए।